इन टूडेज लाइफ ओट्स इज मोस्ट पॉपुलर फूड, क्योंकि ओट्स में होती है हाई फाइबर जो कि है बीटा ग्लूकन। उसके अलावा भी ओट्स में होती है हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड एसेंशियल अमीनो एसिड, उसके साथ है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो आज इस ओट्स को ही यूज़ करके हम बनाएंगे 5 टाइप ऑफ ओट्स मोदी जो लो इन कैलोरीज है। आप अपने वेट लॉस डाइट में इसको इजीली ऐड कर सकते हो एंड आराम से वेट लॉस कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन शुक्ला। मैं शेयर करती हूँ अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड डाइट ट्रिक टिप्स, उसके साथ शेयर करती हूँ स्किन केयर एंड हेयर केयर टिप्स। तो इस ओट्स की स्मूदी को बनाने के लिए पहले जो हमें करना है, हमें लेना है ओट्स। ये स्टील कट ओट्स है एंड इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। जिनको भी कच्चा ओट्स नहीं खाया जाता उन लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है एंड अगर आप कच्चा खा सकते हो तो रोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए रोस्ट कर लूँगी एंड जब इसमें से एक अलग सी खुशबू आने लगेगी तो मैं गैस को कर दूँगी बंद। एंड बंद करने के बाद इसको आपको क्या करना है, ठंडा कर लेना है। आप एक हफ्ते के लिए पूरा बनाकर ये रख सकते हो रोस्ट करके। हमें हर दिन जो ओट्स चाहिए वो है 15 ग्राम से 20 ग्राम्स। ये सारी स्मूदीज़ की कैलोरीज है 175 से 200 कैलोरीज। मोस्ट ऑफ द स्मूदीज आर 175 कैलोरीज, ओनली वन स्मूदी कंटेन 200 कैलोरीज। थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो सकता है लेकिन इसी के बीच में ही सारा होगा। तो देखिए मैंने इसको रोस्ट करके एक हफ्ते के लिए बनाकर रख दिया है। अब पहला हमें जो स्मूदी बनाना है वो है मैंगो ओट स्मूदी। मैंगो अभी सीजन में मार्केट में पूरी तरह से अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 15 ग्राम ओट्स, उसके बाद 5 आलमंड सोक किया हुआ, उसके बाद थोड़ा सा अदरक, देन आपको डालना है ये 80 ग्राम से 90 ग्राम्स के करीब मैंगोज है। तो उतना ही क्वांटिटी में आपको लेना है। क्वांटिटी जो है वो आपको ध्यान रखना है। देन उसमें ऐड करना है थोड़ा सा चिल्ड वाटर, उसके बाद करना है ग्राइंड। तो लीजिए हमारा मैंगो ओट स्मूदी इज रेडी। आप अपनी ब्रेकफास्ट में इसको आराम से एंजॉय कर सकते हो। इसके साथ मैंने ऐड किया है थोड़ा सा चिया सीड, दिस इज ऑप्शनल, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। दिस इज यमी एंड डिलीशियस। नेक्स्ट स्मूदी हम बनाएंगे, उसमें मैंने लिया है 15 ग्राम से 20 ग्राम्स ओट्स, देन 4 आलमंड, 2 डेट्स सीड्स को निकाल के एंड सोक करके रखा था। एंड ये जो बनाना है करीब 50 टू 60 ग्राम बनानाज है। उसके बाद थोड़ा सा मिक्स सीड्स, समर स्पेशल मिक्स सीड है। एंड अगर आप ये जानना चाहते हो समर स्पेशल मिक्स सीड कैसे बनाया जाता है, उसकी वीडियो चैनल में ऑलरेडी है तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद 5 ग्राम पीनट बटर, देन थोड़ा सा कोकोआ पाउडर एंड उसके बाद ऐड करना है लो फैट डबल टोन्ड मिल्क, ये करीब 75 ml के करीब है, देन थोड़ा सा चिल्ड वाटर एंड उसके बाद करना है ग्राइंड। तो ये है हमारा चॉकलेट बनाना स्मूदी। इसकी जो कैलोरीज है थोड़ा सा ज़्यादा है। ये स्मूदी करीब 200 कैलोरीज की है, बट कोई बात नहीं, आप इसको आराम से अपने डाइट में ब्रेकफास्ट में रख सकते हो। फॉर चॉकलेट लवर, जिनको चॉकलेट बहुत पसंद है, उन लोगों के लिए ये स्मूदीज तो बहुत बढ़िया है। तो यू कैन एंजॉय दिस चॉकलेट बनाना स्मूदी।
नेक्स्ट स्मूदी हम बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए ओट्स 15 ग्राम से 20 ग्राम के करीब, और उसके बाद ये है येलो मेलन। समर सीजन के लिए ये मेलन जो होती है ये फूड बहुत ही बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये फुल विथ वाटर होती है एंड समर में हमें वाटर बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने लिया है 4 ग्रेप्स, मैंने कट करके लिया है। उसके बाद 2 डेट्स। मेलन्स आर लो इन कैलोरीज होती है एंड हाई इन वाटर होती है एंड हाई फाइबर होती है। उसके बाद 5 आलमंड सोक किया हुआ, देन देना है वाटर एंड उसके बाद करना है ग्राइंड। तो ये स्मूदी भी रेडी हो गई है। थोड़ा सा मिक्सर देंगे हम एंड यू कैन एंजॉय। उसके बाद बनाएंगे नेक्स्ट स्मूदी। लेंगे 15 टू 20 ग्राम ओट्स, देन ऐड करना 5 आलमंड, थोड़ा सा पम्पकिन सीड 1 टीस्पून के करीब, एंड ये है प्लम। मैंने यहाँ पर 75 ग्राम्स प्लम लिया है। ये प्लम्स वाटरी फूड है, लो इन कैलोरीज है एंड इसके साथ साथ ये हमारी यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। सो अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है तो इस स्मूदीज़ को आप ट्राई कर सकते हो एंड आप बहुत ही आराम मिलेगा आपको इस स्मूदी से। तो लीजिए, ये स्मूदी भी रेडी हो गई है। ये थोड़ा सा खट्टा लगेगा, अगर आप चाहो तो 2 डेट्स ऐड कर सकते हो इसमें, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है थोड़ा सा खट्टा। तो मैंने इसमें ऐड किया चिया सीड एंड थोड़ा सा पम्पकिन सीड। नेक्स्ट स्मूदी जो हमारा बनेगा वो है, अब बताइए, गेस कीजिए इसको क्या है। ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसको देखकर कैसा लगा कि कौन सा फ्रूट है ये। ये है मास्क मेलन। ये वन टाइप ऑफ मेलन होती है, ये लो इन कैलोरीज है एंड हाई इन फाइबर होती है, वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम्स लिया है, थोड़ा सा डेट्स एंड ओट्स को तो मैंने ऑलरेडी दिया है 15 टू 20 ग्राम्स, 5 आलमंड, देन थोड़ा सा वाटर। उसके बाद करना है ग्राइंड। इस स्मूदीज की फ्लेवर भी बहुत बढ़िया है। तो नाउ दिस स्मूदी इज रेडी। 5 डेज 5 टाइप्स ऑफ ओट स्मूदी। तो देर किस बात की, आज से ही ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए एंड मुझे बताइए आपके वाला कौन सा बेस्ट है। एंड आज की वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ऐसे ही हेल्दी डाइटेटिक टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके टिंग टिंग वाला नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।